अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके सामने डॉलन्स कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है जिसे मैं टेस्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट काम क्या हमारा होता है कि जब भी वर्कशॉप पर माइक्रोवेव आए तो आपने क्या करना होता है, सिंपली स्विच लगाना होता है। सीरीज बोर्ड होना चाहिए, अभी वैसे मैंने सीरीज पे नहीं लगाया। सीरीज बोर्ड क्यों होना चाहिए मैं आपको बता दूं, सीरीज बोर्ड इसलिए होना चाहिए ताकि आप स्विच लगाएं और इसको जब मीडियम या हाई और फिर इसके बाद आप इसको जब ऑन करें तो ओवन में कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं। अगर शॉर्ट होगी तो जाहिर सी बात है सीरीज में लैंप लगा हुआ होता है तो वो लाइट बिल्कुल फुल ऑन हो जाएगी, उससे हमें पता चल जाएगा इसमें शॉर्टेज है, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है, कोई ना कोई वायर डेड है या फ्यूज़ बर्न हो चुका है कहीं ना कहीं से, इसका कनेक्शन नहीं कंप्लीट। तो खैर मैंने सीरीज पर तो नहीं वैसे लगाया, अभी ये देखें ये नॉर्मल बोर्ड है, ठीक है, इस पर लगा रखा है तो सीरीज पर लगाना बेहतर है, सबसे बेहतर है। ओके, मैं आपको पहले सीरीज पे ही अभी स्टार्ट करवा कर दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। नॉर्मल भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन इससे ये होगा कि अगर इसमें कुछ शॉर्ट हुआ तो बैक इसके पीछे अगर फ्यूज़ लगा हुआ होगा तो आपका फ्यूज़ ट्रिप कट जाएगा। सेफ्टी के लिए फ्यूज़ होना चाहिए वर्कशॉप में भी, मेन पर जहाँ से मेन हो, तो अगर आपने पीछे भी यानी कि वो यहाँ तो ब्रेकर बड़ा लगा हुआ है यानी कि ज़्यादा एम्पेयर का लगा हुआ है, इसके एम्पेयर 4, 5, 6 या 7, 8 एम्पेयर थे, बड़ा ओवन था तो 7, 8 नॉर्मली 4, 3, 4, 5 एम्पेयर होते हैं, तो एम्पेयर हमारा 16 एम्पेयर का था या 20, 25, 30 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा बड़ा ज़्यादा लोड के लिए लगा हुआ था, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फ्यूज ट्रिप नहीं करेगा और यहाँ पर स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट होगा ना तो वो स्पार्क करेगा, तो जो भी चीज़ इसमें लगी होगी वो जल जाएगी, फॉर एग्जांपल वायर है वो बर्न हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ आपका नुकसान हो जाएगा और माइक्रोवेव में प्रॉब्लम होगी। तो सीरीज़ में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है पहले कि कोई शॉर्टेज है या शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है या फिर ये चलने के काबिल है, टेस्ट करने के काबिल है। तो अब मैं इसको पहले सीरीज़ में लगा लेता हूँ, अपना सीरीज़ बोर्ड यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पर लगा लिया है सीरीज़, ठीक है, इस पर मैंने वैसे तो मेंशन किया हुआ है ये लाइट है और ये दोनों मैंने सॉकेट रखी हुई हैं, एस और यहाँ पर डी। एस मीन सीरीज़ और डी मीन डायरेक्ट, इस पर लगाऊंगा तो डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज़ है तो ये स्विच है, इसको हम पहले सीरीज में ही लगाएंगे। अभी इससे पहले मैं इसको ऑफ पे रहने देता हूँ और इसको यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ नोट करनी है कि भाई यहाँ पर सर्किट बन रहा है कि नहीं माइक्रोवेव का, डोर आपका क्लोज होना चाहिए याद रहे, ठीक है, ओपन में तो आप जो मर्जी करें वो काम ही नहीं करेगा, क्लोज है। स्पीड हाई कर लेते हैं, स्टार्टिंग पर अभी आया है हमारे पास माइक्रोवेव तो हमने इसको टेस्ट करना है, या मिड भी कर सकते हैं, मीडियम हाई कर लेते हैं और अब इसको चेक करते हैं और देखेंगे कि लैंप फुल ग्लो नहीं होना चाहिए, मतलब फुल लाइट जो इसकी नॉर्मली हम लगाते हैं कहीं पर डायरेक्ट तो फुल लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर अगर बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन पर ही रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, तब भी इसमें फ्यूज़ जला हो सकता है, वायर जली हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आगे देखते हैं। ओके, तो फुल लाइट ऑन अभी नहीं हुई, अगर फुल लाइट ऑन होती तो ये शॉर्ट माना जाना था, इसमें शॉर्ट सर्किट होना था। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और आप, मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, ये लाइट है, आप कोशिश करें कि 200 वाट मैक्सिमम 200 वाट का तो रखें, उस पर टेस्टिंग करें। चलिए अब डायरेक्ट लगाते हैं, ये मैंने लगा दी इसको डायरेक्ट, अब डायरेक्ट इस यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने सीरीज बोर्ड पर भी ऑप्शन रखी है, वैसे आप नॉर्मल अपने डायरेक्ट बोर्ड में भी लगा सकते हैं, ठीक है, अब देखते हैं। और अब डायरेक्ट, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया है कि भाई इसमें शॉर्टेज नहीं है और सर्किट भी बन रहा है, आया कि हीट करता है कि नहीं कस्टमर की, क्योंकि कंप्लेन जो थी वो ये थी कि ये काम कर रहा है, मतलब लाइट वगैरह ऑन हो रही है नॉर्मल जैसे चलता है चल रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें हीट कुछ भी नहीं पैदा हो रही, तो किसी भी आप बर्तन को पानी से भर के इसमें रख दें, इसके पत्थर का बर्तन हो मिट्टी का हो
तो मैंने इसमें रख दिया है कप में पानी। डोर को करते हैं क्लोज और अब ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अभी वैसे फुल पर है, इसको चंद सेकंड में ही हीट कर देना चाहिए और डायरेक्ट है। अम्पेयर मीटर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, अगर अगर मैं अम्पेयर मीटर लगाऊँ तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये अम्पेयर्स भी ले रहा है या नहीं। ये है जी अम्पेयर मीटर और इसको मैं 40 अम्पेयर पर कर लेता हूँ, 4 अम्पेयर से ऊपर और 40 के बीच में। ठीक है जी, किसी एक वायर पे यहाँ पर मैं लगा लूँगा। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। ओके, तो 0.04 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अगर अभी ऑफ कर दूँ, जितना टाइम हो गुजर गया है, मैक्सिमम 30-35 सेकंड या 1 मिनट के राउंड तो हो ही गया है, पानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। वैसे तो धुआं भी नहीं निकला और ये हीट, ओह माय गॉड, ये तो जैसे मैंने पानी वाटर रखा वैसे ही कोल्ड वाटर ही है इसमें, अभी ठंडा पानी है, मतलब इसमें बिल्कुल भी गर्म इसने नहीं किया, नहीं तो धुआं उड़ता आपको नजर आ जाना था, फुल स्पीड थी। तो मतलब कि इस तरह से आपने इसको स्टार्ट चेक करना है सीरीज की मदद से, आपको यानी कि केयरफुली आप इसको चेक कर पाएंगे, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कुछ भी आग लगने के चांसेस नहीं, शॉर्ट लगने के चांसेस नहीं, प्रॉब्लम यानी कि नहीं बन सकती। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इससे तो पता चल गया कि भाई काम, जो कस्टमर की कंप्लेंट थी वो यही थी कि काम नहीं कर रहा, लाइट ऑन हो रही है, चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो अब हमें करना क्या है, वो ये है कि इसको बॉडी को ओपन करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने इसको बैक साइड पर कर लिया है उल्टा। यहाँ पर कुछ स्क्रू हैं, 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6 साइडों पर, और ये मतलब कि ये जो ब्लैक कवर है ऊपर इस तरफ, ये मुकम्मल कवर हमारा रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे बैक पीछे की तरफ, और इस साइड पर जहाँ पर ये वायर इन हो रही है, यहाँ पर इसका फैन भी लगा हुआ होता है, ये एरिया इसकी वायरिंग का एरिया है, हीट गन का एरिया है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर हम फिर टेस्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं इसको स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ और फिर इसको हटा लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो वीडियो स्किप करके ये वाला काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्क्रू ओपन कर लिए हैं, अब इसको मैं ऊपर थोड़ा सा उठाऊंगा और बस खींच लूंगा, रिमूव हो गया, और यहाँ पर जो है साइड पर इसकी सारी वायरिंग आ चुकी है। अब हम इसका फॉल्ट जो है वो ट्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिजिकली तो कहीं पर शॉर्टेज, स्पार्किंग, कोई चीज़ बर्न नज़र नहीं आ रही, डेफिनेटली ये अगर अगर ख़राब होती, ओवरलोड ख़राब होती तो आगे करंट ही नहीं जाना था, ये ओवरलोड या ये फ्यूज़ आ जाकर एक यहाँ पर कैपेसिटर के पास फ्यूज़ होता है जो कि इस हीट गन का होता है। अब या तो प्रॉब्लम इस फ्यूज़ में है, या कैपेसिटर प्रॉब्लम हो सकती है, या ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चांसेस नहीं है। मैं सबसे पहले फ्यूज़ ही चेक करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि चल रहा है सारा सिस्टम, अगर सिस्टम चल ना रहा हो फिर आपका यहाँ पर फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, या ये स्टार्टिंग में यानी कि इशू हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है फ्यूज़ है, यहाँ पर ये ओवरलोड्स वगैरह है, यहाँ पर डोर स्विचेस वगैरह है, ये पैनल काम नहीं कर रहा, काफ़ी चीज़ें आ जाती, लेकिन चल रहा है सिर्फ हीट नहीं कर रहा, तो हीट गन की तरफ हम आएंगे, हीट गन का जो फ्यूज़ है मेन वो चेक कर लेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे सबसे पहले, जहाँ पर ये कंटिन्यूटी का आपको देखें कंटिन्यूटी भी है और दूसरे ओहम और डायोड वगैरह भी चेक करने का है। मैं फंक्शन वाला बटन प्रेस करूँगा, ये डायोड मोड पर आ गया, ये कंटिन्यूटी बजर मोड पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब चेक करेंगे, और मैंने इसकी एक केबल जो है वायर प्रोब वो ऑलरेडी कनेक्ट कर ली है, क्योंकि एक हैंड से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर अब फ्यूज़ के जो 2 पॉइंट हैं, एक ट्रांसफार्मर में लगा हुआ होता है और एक कैपेसिटर में, ये है एक साइड पर, ठीक है सामने आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, और यहाँ से गया फ्यूज़, फ्यूज़ इस वाइट बॉक्स में है फिटिंग, और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है।
अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने दूसरी प्रोब लगा रखी है पॉजिटिव वाली। नेगेटिव पॉजिटिव आगे पीछे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ये देखिए मीटर का साउंड आपको मिल रहा है। अब यहाँ से होता हुआ सर्किट फ्यूज़ से होता हुआ यहाँ पर आना चाहिए। अगर आएगा मतलब बीप आएगी, तो मतलब हमारा फ्यूज़ सही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें लगा लूँगा। ओके, देखें यहाँ पर बीप नहीं आ रही, तो फॉल्ट हमारा मिल गया, मतलब ये फ्यूज़ बर्न निकला, फ्यूज़ इसका ख़राब है। मैं इसको अभी साइड पे कर लेता हूँ और फ्यूज़ को पहले बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। फ्यूज़ की ये दोनों जैक्स हैं, नोज़ प्लायर से हम इसको बाहर निकाल पाएंगे इजीली। ओके, यहाँ पर लॉक होता है, इसको आप प्रेस करके खींचेंगे तो इजीली आ जाएगा, और इसको भी ऐसे ही। ओके, ये आ गया फ्यूज़, इसमें से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी फिटिंग ठीक है, यहाँ से हम इसको साइड पे करेंगे, फिर इसको, फिर ये मतलब इस तरह से फिटिंग है कुछ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, स्क्रू फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक साइड से मैंने इसको यहाँ से ठीक है कोशिश करके यहाँ से ओपन किया, और ये ओपन हो चुका है। अभी फ्यूज़ मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये रहा फ्यूज़, और ये वायर्स इसमें ग्रिप की हुई हैं, इसको आप ऊपर निकाल भी सकते हैं, फिटिंग है। फ्यूज़ आप अब चेंज कर लेंगे, लेकिन फ्यूज़ ऐसे नहीं हमने चेंज करना, सिर्फ फ्यूज़ ही फॉल्ट नहीं है अभी, अभी हमने और भी चेक करना है। अभी इस ये फ्यूज़ क्यों जला, ये भी तो इशू हो सकता है। मतलब क्या रीज़न है, रीज़न हमने ढूंढना है। रीज़न वोल्टेज ओवर आना, ये एक हो सकता है, और हीट गन का शॉर्ट हो जाना, ये हो सकता है। अभी हम हीट गन को भी चेक करेंगे, बाकी वायरिंग तो ओवरऑल ठीक है। ओके, अब फ्यूज़ में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे फ्यूज़ फिजिकली मुझे जो दिख रहा है वो तो नज़र आ रहा है कि इसमें वायर जो है वो टूटी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो वायर है वो टूट चुकी है, फ्यूज़ के जो अंदर वायर है शायद आपको दिखे, बिल्कुल आपको शायद ना दिख पाए, बट मुझे इजीली फिजिकली मैं देख पा रहा हूँ। इसमें जो वायर है वो टूट चुकी है, स्पार्क हुआ, ये वायर बर्न हो गई। इसके अंदर बहुत ही पतली सी वायर है फ्यूज़ की, वो बर्न हो चुकी है। खैर, फ्यूज़ तो हमारा बर्न हो गया, अब इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए ये दोनों वायर्स हम बाहर निकाल लेंगे, इसकी हीट गन की, गैलेंस कंपनी की हीट गन है, और कितनी प्लेट्स वाली है यहाँ पर, 1 2 3 4 वाली है, ये इसके साइड पे आपको पता चल जाता है। ठीक है, मैग्नेट कई बार टूट जाते हैं ओवरहीट होने की वजह से, बट ओके, ये सिंगल वायर इस साइड पर, डबल वायर राइट साइड पर। अभी मुझे क्या करना है, इसकी शॉर्टेज चेक करनी है। सबसे पहले तो आपने देखना है इन दोनों पॉइंटों का आपस में सर्किट होना चाहिए, ठीक है, गन के दोनों पॉइंटों का। तो देख लेते हैं दोनों का। ओके, बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा से एक बार, सॉरी अभी से इसे लगी नहीं। ओके, लगी। ये देखिए आप जैसे ही टच मैं करता हूँ तो ये सर्किट बन जाता है। ओके ओके, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम होती है, मतलब 1-2 अराउंड, तो अभी 0-0 आ रही है, तो इसका मतलब कि ये गन यहां से तो अभी ठीक बता रही है, लेकिन बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अब बॉडी शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है कि बॉडी शॉर्ट हुई हो फिर फ्यूज बर्न हुआ हो, तो चेक करेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में अभी ये गन ठीक है। ये अभी एक पॉइंट मैंने नीचे लगाया और एक इसकी बॉडी के साथ लगाऊंगा, जो कि हमारी ये हीट गन, इसकी बॉडी। ओके, ये देखें इसकी बॉडी के साथ शॉर्टेज है, और मतलब वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज करके ये देखें कुछ वैल्यू पर दे रहा है, मैक्सिमम 40-50 अराउंड,
ओहम 0.45 अराउंड ओहम जो है वो रीडिंग दे रहा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट भी मैं देख लेता हूँ, ये रहा दूसरा पॉइंट, पहले ये चेक किया था अब ये वाला, ये ठीक है, ये इसको भी बॉडी के साथ ये देखें, ये भी शॉर्ट है। इससे पता चला कि अभी हमारा फ्यूज ही नहीं, फॉल्ट आ जाकर जो निकला है वो है हमारा फ्यूज, और दूसरे नंबर पर हीट गन, एक फ्यूज फॉल्ट और एक हीट गन फॉल्ट इसमें निकला है। ओके, तो ये इसमें फॉल्ट है। तो अभी जस्ट हमने इसकी हीट गन सेम हम ले आएंगे, यूज में ले आएंगे, यहाँ न्यू ब्रांड न्यू ले आएंगे, तो ये चेंज कर देंगे और दूसरे नंबर पर इसका फ्यूज लगा देंगे। जैसे फ्यूज हमने रिमूव किया सेम वैसे फिट कर देंगे। ओके, ये तो इजी है। और दूसरे नंबर पर हम गन उतारने का बेहतरीन तरीका, ये एक स्क्रू है जस्ट इसका, और इसके ऊपर ये तो वैसे ही वायर्स को पकड़ने के लिए है, साइड पे करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, ये दोनों साइड पे होगी, जस्ट एक स्क्रू इसका उतरा हुआ है और ओवरलोड को हमने उतारना है, ये दोनों ये इस ऊपर आ जाएगा और एक स्क्रू ये जो है हम खोलेंगे तो ये वाली साइड, इसकी इसके नीचे लैंप है, ये साइड साइड पे हो जाएगी और ये साइड पे हम इसको इजीली उतार पाएंगे, इसको उतार कर हम न्यू फिट कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अभी हम इसको करके और फिर आपके सामने देखते हैं कि अब हमारा काम मुकम्मल होता है या नहीं। तो पहले फ्यूज़ और हीट गन हम न्यू लेकर आएंगे, तो जब तक वो नहीं आती तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको आगे काम चलाएंगे, फ्यूज़ और हीट गन लगा कर देखेंगे हमारा फॉल्ट जो है वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी वैसे फ़िलहाल मार्केट से पहले यानी कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा गन थी टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर फ्यूज़ तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसका क्या किया, सबसे पहले केयरफुली आपने काम करना है, इसका मैंने स्विच जो है बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर फ्यूज़ को एक्स्ट्रा वायर लेकर वो मैंने यहाँ से इसके साथ जॉइंट की और जॉइंट करके राउंड कर दी इसके ऊपर और यहाँ तक जॉइंट कर दी, मतलब एक फ्यूज़ ही बन गया। बहुत हैवी तार आपने नहीं लगानी, हैवी वायर आपने नहीं लगानी, एक नॉर्मल वायर को आप डबल कर लें, बारीक वायर को, जैसे कि इसमें बारीक वायर है ये, ठीक है। तो ये वैसे ये इतनी बारीक नहीं है, थोड़ी हैवी है, लेकिन फ्यूज़ ही बाद में मैं इसको लगा दूँ तो वो सबसे बेहतर है। तो अभी आपके सामने टेस्ट करने के लिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ्यूज़ कंप्लीट कर लिया, ये इसकी जो फिटिंग है वो इजीली फिट हो गई। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये कैसे ओपन होता है, तो बहुत ही ईजी है, काफ़ी दोस्तों को दिक्कत प्रॉब्लम होती है, एक साइड से आप स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर किसी चीज़ से इसको इस तरह से ईजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखें ओपन हो गया, फिर बाद में ऐसे ही साइडों से वायर अपनी जगह पर रख कर इसको वापस ग्रिप में लेके आ सकते हैं, तो ये देखें ये फिट हो गया, ठीक है। और इसके दो जो पॉइंट हैं वो आपने फिर सबसे पहले उतारने हैं, जैसे कि मैंने ये उतार लिया और ये उतार लिया, ये सिंगल वायर लेफ्ट साइड पर थी और ये जो डबल वायर है ये राइट साइड पर थी, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रू जो कि हीट गन का राइट साइड पर है, कुछ गन होती हैं जिसके लेफ्ट राइट पर दोनों पर होते हैं, अप डाउन भी होते हैं, इसका जो है एक ही स्क्रू था जो कि ये बड़ा वाला, ठीक है, ये स्क्रू, और ये इसका गन का, ये जो गन है हमारी इसके आपको शायद यहाँ पर देखने को मिले, यहाँ पर होल है सिर्फ, यहाँ पर इस वायर के नीचे वो मैंने रिमूव कर दिया है सेंटर में, ठीक है, वो रिमूव कर देना है आपने। उसके बाद इसके ऊपर ओवरलोड आ जाती है, ओवरलोड को आपने सिर्फ इसके छोटे दो ही स्क्रू होते हैं और स्क्रू के स्क्रू ये अब्रॉक इसके ऊपर लगी हुई होती है, फिर इसके ऊपर ये इसके ऊपर जो है हमारी ओवरलोड लगी हुई होती है, ठीक है। और ओवरलोड का काम ये होता है कि ये हीट गन ओवर हीट हो जाए तो ये कट ऑफ करवा देगी, माइक्रोवेव ऑफ हो जाएगा। और एक ओवरलोड ऊपर लगी हुई है जो कि यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये भी ये काम करती है, इस एरिया में अगर ओवर हीट हो जाती है तो ये कट ऑफ करवा देती है, माइक्रोवेव सेव हो जाता है, मतलब जलने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं, इसके कम क्या, बिल्कुल ही यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रिमूव कर देनी है। इसके बाद वीडियो सॉरी थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन न्यू जो स्टूडेंट है उनके लिए, जो काम सीख रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है।
ये कुछ वायर्स थी जो कि मैंने आपको आगे दिखाया, इसको जस्ट आपने यहाँ से रिमूव ही करना होता है बस। ओके, फिर आपने इसको इस साइड से पहले बाहर निकालना है और दूसरी साइड से आपने इस तरह इसको रिमूव कर लेना है। ये वाली फिटिंग सेम आपने इसको उतार देना है। मैं ये स्क्रू जो है इसका रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये स्क्रू और एक नीचे की तरफ भी है ये, ठीक है, ये दो स्क्रू हम ओपन करके ये फिटिंग जो न्यू गन लगाएंगे उसमें हम फिटिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो गाइज ये है मेरे पास एक जो मेरे पास पेयर पड़ी हुई थी, ये फिटिंग इसके साथ नहीं लगेगी। ये फिटिंग वैसे तो एक साइड पर इसलिए होती है कि ये इसकी हीट जो है एक्स्ट्रा इस तरफ ना जाए, और कुछ वायरिंग होती है सेपरेट रहे, और लैंप की रोशनी जो है वो ज़्यादा इसके इंडोर में रहे। तो खैर लाइट तो वैसे भी रहेगी, वैसे वो थोड़ी सी छोटी है तो इसीलिए मैं इसी को डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो ठीक है, फिटिंग इसकी सेम है, एक एच फिटिंग में आती है, उसके दो स्क्रू ऊपर दो स्क्रू नीचे है, लेकिन मेरे पास जो थी वो सेम इसी से रिलेटेड यानी कि फिटिंग थी, तो इसीलिए इजीली मैं इसको लगा लूँगा। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है और दूसरी साइड पर जो है हमने जस्ट एक स्क्रू लगा लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर हैंग हो जाएगी, मतलब फिट हो जाएगी, फिर हम इसकी ओवरलोड इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे ये जो इसकी है ये स्पार्क नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसको मैं इसमें अंदर एंटर करूँगा। यहाँ पर भी आपने देखना है कि कोई मतलब ये एरिया बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कार्बन वगैरह तो नहीं है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी ओवरलोड, ओके, यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ चुकी है। अभी जस्ट यहाँ पर अभी स्क्रू लगेगा और ये ओवरलोड लगेगी, ठीक है। तो स्क्रू जस्ट जो है वो यहाँ पर लगना है और नीचे से वायर इसमें कनेक्ट होगी। तो ये देखें इस तरफ से ये अपनी फिटिंग में आ चुकी है, यहाँ पर स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिटिंग में जा चुकी है, और इस तरफ जो है हमने जस्ट एक स्क्रू लगाना है जो कि आपको यहाँ से सही से क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ओके, वो स्क्रू ठीक है वहाँ पर सेंटर में होल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रू ही जो है इसमें लगा लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में हमें। ओके, तो स्क्रू हमने कनेक्ट किया कर लिया है, छोटा स्क्रू ड्राइवर है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट इजीली मैंने इसको स्क्रू को इसमें लगा लिया। ओके, स्क्रू को हम अच्छे से टाइट कर देंगे, हीट अपनी जगह पर, हीट गन फिट हो गई। अब मेन चीज़ जो है वो है इसकी ओवरलोड, ओवरलोड की जो फिटिंग है वो ज़रूरी है, ओवरलोड लाजमी लगाना है इसके ऊपर, उसके नीचे ये अब्रक। अच्छा, अब जो पहली गन थी डेफिनेट जाहिर सी बात है उसकी जो फिटिंग थी कुछ इस तरह से थी, लेकिन अब इसकी नहीं आ पा रही वैसी, इस दो जगह पर हमें स्क्रू चाहिए। तो वो स्क्रू हमें कहीं से भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ये मिल गए, ओके वेल डन, और इसके ऊपर हम इसको अब रख लेंगे कुछ इस तरह से। ये लीजिए हमारी ये जो बेहतरीन तरीके से ओवरलोड भी अपनी जगह पर आ गई। अब इसके जो स्क्रू हैं छोटे वो हम लगा लेंगे, माजरत के साथ वीडियो जो है वो लंबी थोड़ी सी हो गई, और मतलब लंबी नहीं मैं करना चाह रहा था, लेकिन एक फोल्ड को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना और फिर उसको टोटली क्लियर करना, फाइंड करना और क्लियर करना, मतलब फुल मैकेनिक टेक्नीशियन इसे ही कहते हैं। तो आपने ऐसे ही फोल्ड को स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट किया जाता है। अभी देखिए हमने डायरेक्टली हमें जो है पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर फोल्ड है, अगर यहाँ पर भी फोल्ड ना मिले तो फिर हम आगे जाएंगे
लेकिन फॉल्ट हमें इन्हीं स्टेप में स्टार्टिंग पर ही मिल गया, जो कि बेहतर हो गया, नहीं तो हमें और भी चीज़ें चेक करनी पड़नी थी, जिसमें कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब इसको ये ऐसे लूज ना रहे, इसके साथ अच्छे से टाइट हो जाए, ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो टाइट में इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ इसमें टाइट हो नीचे साथ। टाइट होगी तो इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो जाहिर सी बात है वो सेंस ही नहीं करेगी। ये एक तरह का बिल्कुल सेंसर ही है। ओके, ये अब आप देखें हिल ही नहीं पाएगी, ये इसके साथ अच्छे से ग्रिप हो गई। अभी ये ओवरलोड भी अपनी जगह पर है, ओवरऑल जस्ट इसके कनेक्शन ही रह गए हैं नीचे। ये इस तरफ था पॉइंट, तो मैं इस तरफ वाले पॉइंट के साथ इसको नीचे से अटैच कर दूंगा। ओके, और ये वाला जो है वो राइट साइड पे था। ओके, इसके भी हो गए, और हमारा जो इसके कनेक्शन थे जो कि फ्यूज़ के कनेक्शन भी हो गए, एक पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ और एक नीचे कैपेसिटर के साथ। इसको मैं यहाँ पर फैन के साथ ना प्रॉब्लम बने, इसको मैं यहाँ पर इसकी अपनी असल फिटिंग में रख दूंगा नीचे की तरफ। फैन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी लूज नहीं होना चाहिए, इसको मैं यहाँ पर। ओके, अब ओवरऑल कनेक्शन कंप्लीट है। पानी अभी हमारा जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, और कोशिश मैं करूँगा यहाँ पर अगर इसका धुआं निकले तो वो अच्छी बात है, वैसे मेरे पास टेम्परेचर मीटर होता तो और अच्छा हो जाता। तो खैर टेम्परेचर मीटर तो नहीं है, लेकिन अभी आप देखें एक नॉर्मल, मतलब धुआं भी नहीं निकल रहा। अभी मैं इसको वी ऑफ और यहाँ से फुल पे कर लेती हूँ, ठीक है जी। मैक्सिमम 5 एम्पीयर तो इसके होने चाहिए माइक्रोवेव के, और मीटर हम लगा लेंगे। इसको लॉक कर देता हूँ और स्विच जो है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। यहीं पर मैं क्लैंप मीटर भी अपना एडजस्ट कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी कर लिया है पहले से ही। हीट गन मेरी ये बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास स्पेयर पड़ी हुई थी, और इसमें मुझे अब शॉर्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ओवरऑल क्लियर है, और एम्पीयर चेक करने हैं, और मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। चलिए माइक्रोवेव को ऑन कर लेते हैं। लीजिए माइक्रोवेव ऑन हो गया, और साउंड से भी मुझे कुछ अंदाज़ा हो ही गया है कि ये काम करेगा। फुल स्पीड पर है, वहाँ पर इसकी जो हीट यहाँ पर ये देखें 0.5, यानी कि 5 एम्पीयर से ये ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि अभी हमने रेंज जो है वो सिलेक्ट कर रखी है 40। तो जाहिर सी बात है पहला पॉइंट जो है वो एक का है, 10, 20, 30, 40 एम्पीयर तक ये सेंस करेगा, हमें बताएगा। और यहाँ पर जो है अभी 0.547, तो मतलब कि ये 5.5 एम्पीयर ले रहा है। और एक बार इसको मैं अभी से ही टेस्ट कर लेता हूँ आपके सामने ही, अभी हम उसको नहीं निकालेंगे कि ये इसका पैनल काम सही से कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ।
चीज़ को खुद ही ट्रीट करना चाहिए, देख लेते हैं इसको खुद ही ट्रीट करना अच्छा लगता है। अभी आई थिंक टाइम तो हो चुका है और यहाँ से ट्रिप हो गया तो टाइम भी हो गया था क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं ये मतलब शॉर्ट तो नहीं हो गया, मतलब खुद ब खुद इसको बैक आना चाहिए, तो ये शायद ख़राब हो, लेकिन ये ठीक है। ओके, मैंने फुल हाई पे इसको टेस्ट किया, इसको बाइन ओके धुआँ आपके सामने ही है, बाप निकल रही है, पकड़ा जाएगा कि नहीं। ओके माय गॉड, ये सेंसर की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने धुआं। फॉल्ट भी क्लियर हो गया, गन भी चेंज कर दी, कोशिश आपने करनी है ये इसकी जो प्लेट थी यहाँ पर, ये 1 2 3 4 मेरे पास ये जो इसकी प्लेट ओरिजिनल थी वो ये है 4 प्लेट वाली, लेकिन मैंने इसमें 5 प्लेट वाली लगा दी है क्योंकि फिटिंग सेम थी और एडजस्ट हो गई, मैंने लगा दी और इसको मैं मैक्सिमम मीडियम पर ही यूज़ करूँ तो बेहतर है माइक्रोवेव को। और अब हमारा काम जो है इसमें टोटली कंप्लीट हो चुका है, ओवरऑल इसकी हमने वायरिंग भी कर दी है और सारा जो है अब हमने चेक भी कर लिया है, तो मतलब हमारा माइक्रोवेव बिल्कुल सही से अब काम कर रहा है। तो गाइस, ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए माइक्रोवेव रिपेयरिंग, गीज़र रिपेयरिंग, इंस्टेंट गीज़र रिपेयरिंग, एसी, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है इनसे रिलेटेड आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं, पीसीबी इन्वर्टर की, इनकी रिपेयरिंग अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अब जस्ट आपने इसको वाइंड अप करना है, स्क्रू वापस जैसे ओपन किया वैसे ही वापस कर देना है और आपका ये माइक्रोवेव रेडी। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।